Hey, what's good everybody? Welcome to our channel Shiva Learning. For more updates, you can also log into our website www.shivalearning.in. So friends, इस वीडियो में मैं आप सभी स्टूडेंट्स के साथ एक गुड न्यूज़ शेयर करने वाला हूँ. ये JEE Main 2019 के एस्पिरेंट्स के लिए काफ़ी अच्छी न्यूज़ है. तो गाइज, ये अच्छी न्यूज़ है और ये एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो भी है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो EWS कोटे से बिलोंग करते हैं. तो गाइज, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ. सबसे पहले तो एक न्यूज़ आपको देने वाला हूँ कि जो JEE Main NTA JEE Main 2019 की एप्लीकेशन विंडो है वो रीओपन हो गई है. तो गाइज, उसमें जाकर आप अपने चेंजेस कर सकते हैं और अप्लाई भी कर सकते हैं. तो गाइज़, उसके अलावा EWS कोटे के लिए आप कैसे क्लेम करें अगर आप EWS कोटा से बिलोंग करते हैं, जैसे कि लेटेस्ट गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन आई है 8 लाख से कम जिनकी एनुअल इनकम है जिन फैमिलीज़ की, वो EWS कोटा के लिए अप्लाई कर सकते हैं जिनको 10% रिजर्वेशन मिलेगा. तो JEE Main में भी वो अप्लाई हो चुका है. तो गाइज़, चलिए मेरे पास एक न्यूज़ आर्टिकल है, इसके ज़रिए हम शुरू करते हैं. और शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो रेगुलर अपडेट्स के लिए हमारे चैनल शिवा लर्निंग जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि रेगुलर अपडेट्स आपको मिलती रहें. तो वाइज, ये एक न्यूज़ आर्टिकल है और उसकी मेरे पास PDF फॉर्मेट है, तो मैं शुरू करता हूँ. इसमें ये इसकी हेडिंग है और फ्रंट पेज पर कुछ ज़्यादा खास लिखा नहीं है. हाँ, इसमें एक इंपॉर्टेंट डेट लिखी हुई है. सबसे लास्ट सेकंड लास्ट लाइन में आप देख सकते हैं, दोज़ हु बिलोंग्स टू द कैटेगरी कैन मॉडिफाई देयर स्टेटस टिल मार्च 15, 2019. तो जो ये एप्लीकेशन विंडो रीओपन हुई है, ये ओनली 15 मार्च 2019 तक ही है. उसके बाद आप इसमें कोई क्लेम नहीं कर सकते, अपना EWS कोटे के लिए आप क्लेम नहीं कर सकते. तो गाइज, मेनली मैंने ये वीडियो इसलिए बनाई है कि आप कैसे देखें, आप अपना EWS कोटा जो आप अगर उससे बिलोंग करते हैं तो उसके लिए कैसे अप्लाई करें. तो गाइज़, थोड़ी सी हम उससे पहले न्यूज़ पढ़ लेते हैं. द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA हैज़ रीओपन द एप्लीकेशन फॉर दोज हु अप्लाइड फॉर द जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन JEE इन द जनवरी सेशन. इंटरेस्टेड एंड एलिजिबल कैंडिडेट्स कैन चेक देयर फॉर्म एट द ऑफिशियल वेबसाइट दैट इज jeemain.nic.in. द विंडो विल बी ओपन फॉर कैंडिडेट्स टू चेंज देयर रिजर्वेशन स्टेटस टू बी एप्लीकेबल फॉर EWS कोटा. तो गाइज, जिन्होंने जनवरी सेशन का एग्ज़ाम दिया था JEE Main का, तो वो इस पर जाके उनके लिए रीओपन हो गई ये विंडो दोबारा. तो उसमें जाके आप अपना रिजर्वेशन स्टेटस चेंज कर सकते हैं. तो बहुत ही सिंपल स्टेप है, मैं आपको बता देता हूँ. और ये न्यूज़ जिन्हें नहीं पता थी कि रीओपन हो गई है विंडो, तो उनके लिए ये न्यूज़ काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है. तो ये 11 मार्च को ओपन हो गई थी. तो मैं सीधे स्टेप्स बताता हूँ आपको. सबसे पहले विजिट द ऑफिशियल वेबसाइट दैट इज़ jeemain.nic.in और होम पेज पर क्लिक ऑन करिए, लॉग इन करें अपना एप्लीकेशन नंबर डाल के. यूजिंग योर एप्लीकेशन नंबर प्लीज़ लॉग इन. देन उसके बाद फोर्थ स्टेप है फाइनल, क्लिक ऑन रिजर्वेशन सेक्शन एंड मॉडिफाई. आपको रिजर्वेशन सेक्शन जहाँ पर आपने पहले ब्लैंक डाल रखा होगा, क्योंकि अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपने जनरल उसमें लिखा होगा और जो भी अन कैटेगरी लिखा होगा, तो रिजर्वेशन सेक्शन पर जाके क्लिक करें और उसको मॉडिफाई करके वहाँ पर EWS कोटे का ऑप्शन आएगा, आप वहाँ पर उसको क्लिक करके चेंज कर सकते हैं. तो गाइज, आपको जैसे सबको पता ही होगा, अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन, दोज विद फैमिली इनकम लेस देन ₹8 लाख पर एनम आर एलिजिबल फॉर द EWS कोटा. सिंस वेरी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इज आस्क टू एड मोर सीट्स अंडर द EWS कोटा, इट वुड ऑल्सो इंक्लूड सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स एंड IITs. दस मोर नंबर ऑफ सीट्स आर एंड कैंडिडेट्स क्लियरिंग द एग्जाम्स कैन बी एक्सपेक्टेड. तो गाइज, सीट जो है वो इंक्रीज होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं इस बार. तो आप लोग अपनी मेहनत करिए ढंग से. हमने सारी टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियोज़ भी बना रखी है, आप उनको चेक कर सकते हैं. हमारी प्लेलिस्ट है उसके लिए अलग से, तो आप उसे जाकर चेक करिए कि कैसे JEE Main अप्रैल एग्ज़ाम की तैयारियां करें. और वीडियोस भी मैं लाता रहूँगा गाइज, उसके लिए हमारा चैनल शिवा लर्निंग जरूर सब्सक्राइब करें. सारी नीट और JEE की अपडेट्स आपको यहां पर मिलती रहेंगी. मिलते हैं नई वीडियो में ऐसी नई नई जानकारियों के साथ. तब तक के लिए नमस्कार.